आईपीएल 2022 के फाइनल्स में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हरा दिया है हालांकि राजस्थान भले ही चैंपियन बनने से चूक गई लेकिन इस सीजन की पर्पल कैप कैप और ऑरेंज रॉयल्स के ही दो खिलाड़ियों के के नाम रही IPL 2022 पर्पल कैप विनर रहे युजवेंद्र चहल जबकि ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास गई इस सीजन आरआर के स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर का बल्ला जमकर चला लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वे 35 गेंद में उनतालीस रन ही बना पाए इस पारी के दौरान उन्होंने पांच चौके जड़े जॉस बटलर ने इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाते हुए ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया बटलर ने आईपीएल 2022 में धमाकेदार प्रदर्शन किया और 17 मैच में दो बार नाबाद रहते हुए सत्तावन की औसत और एक की स्ट्राइक रेट से आठ रन बनाए इस दौरान उन्होंने चार शतक और चार अर्धशतक जड़े उनका सर्वाधिक स्कोर 116 रन रहा पूरे सीजन में बटलर ने तिरासी चौके और 45 छक्के जड़े बटलर ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत कोहली के एक सीजन में सबसे ज्यादा सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली हालांकि वो कोहली के एक सीजन में नौ रन बनाने वाले रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके लेकिन जॉस बटलर आई में 850 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जरूर बन गए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया और विराट के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं जॉस बटलर के बाद बात करते हैं दूसरे चैंपियन की भारतीय चहल। चहल पर थे लेकिन फाइनल में चहल ने चौतीस रन बनाने वाले हार्दिक पंड्या को आउट करके अपना सत्ताईसवा विकेट हासिल करते हुए पर्पल कैप पर कब्जा जमा लिया चहल ने आईपीएल 2022 के 17 मैच में पांच रन देते हुए 27 विकेट झटके हालांकि आईपीएल इतिहास में यह पहली बार नहीं हुआ कि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप विनर्स दोनों एक ही टीम के हों इससे पहले आईपीएल 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के माइकल हसी को ऑरेंज कैप और ड्वेन ब्रावो को पर्पल कैप मिली थी ठीक इसी तरह आईपीएल 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे डेविड वॉर्नर को ऑरेंज कैप और एस के ही भुवनेश्वर कुमार को पर्पल कैप मिली थी हालांकि ऐसे इनफॉर्म खिलाड़ी होने के बावजूद ये टीम्स उस साल के आईपीएल खिताब को जीतने से चूक गई थी और ये सिलसिला इस साल भी जारी रहा ये खबर आपके लिए लिखी है निहारिका ने ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स